अब सरकार गई थी देखा नहीं जी, तुम बताओ सरकार। सरकार सिर्फ नाम बदल रही है जगहों के, और बताइए क्या काम किए। 6,000 रुपया सरकार दे रही। खुश हैं। मैं मौजूद हूँ राजधानी के बेहद करीब जिले उन्नाव में। आज हम आपको दिखाएंगे जमीनी हकीकत की उन्नाव में सरकार से कितने लोग खुश हैं और कितने लोग नाखुश हैं। ये कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि सरकार की कितने चुनावी वादों से खुश हैं और आगे किसकी सरकार चाहते हैं। सरकार के वादों से कितना खुश हैं और सरकार जैसा कहती है कि जो है धरातल पे काफ़ी काम हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमको कुछ नहीं मिला, न कॉलोनी मिली, लेटरिन मिली, न कुछ नहीं मिला। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि जो है विकास बहुत हुआ, लेकिन आप कहते हैं कि जो है विकास ही नहीं हुआ, ऐसा क्यों? सर कुछ हमको मिला नहीं, हम क्यों कहें हमको मिला है? सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, 22 का चुनावी महासंग्राम है। हाँ। क्या चाहते हैं कि सरकार की नीतियों से आप खुश हैं या ना खुश हैं? बहुत खुश हैं। सरकार जैसा कहती है कि विकास का एक मॉडल विगत 5 वर्षों में जो प्रदेश में दिया गया, उससे आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा विकास। और का चाहिए, 24 घंटा हर एक आदमी को नौकरी मिल गए, ठीक, 6,000 रुपया सरकार दे रही, और का चाहिए, लैटरिन बनवा दी, सबका शौचालय हो गया सबके लगे, अब और का चाहिए इतने ज़्यादा? सबसे जरूरी 24 घंटा के सर्विस है। या कौन सी सर्विस ऐसी करते हैं जो 24 घंटे चल रही है? अरे सर्विस यह चल रही, लेह डंडा खेतन में घुमा करो, करिया खाटी काटी खाए, चाहे बरजतिया काटी खाए, फुर्सती तुम चले जाओ हाथ धरे। और सरकार बहुत बढ़िया यह काम कही सी, औका कही रही। इतना संतुष्ट हैं? हम जरा से भी नहीं संतुष्ट। ऐसा क्यों? सरकार तो बहुत बड़े विज्ञापन देती है पेपर समाचारों में। सरकार सिर्फ नाम बदल रही है जगहों के, और बताइए क्या काम किए हैं। सरकार कहती है कि 4 लाख जैसा कि रोजगार जो है युवाओं को मिल गया, आप युवा हैं, आप सरकार से संतुष्ट नहीं है? कहाँ ये रोजगार मिला बताइए, सरकारी आंकड़ों पे होगा, यहाँ के कहाँ मिला, किसी को मिला है? ये देखिए इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी से पूछिए कोई मिली? वैसे भी बीजेपी झूठ झूठ बोलती है हमेशा, अपने वादों पे खड़े कहाँ उतरते हैं, हमेशा झूठ बोलती। सरकार की नीतियों से आप संतुष्ट नहीं? जरा से भी नहीं संतुष्ट। क्या नाम है आपका? शशांक। सरकार जैसा वादे करती है कि जो है 4 लाख युवाओं को और बहुत सारी योजनाएं कहती है, प्रदेश में इतना विकास हुआ कि पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, अब क्या कहेंगे? अभी भैया आपने एडवर्टीजमेंट की बात की तो मैं बता दूं कि 713 करोड़ से ऊपर टैक्स पेयर का पैसा अभी पिछले 1 साल में खर्च किया इन्होंने सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर, और ये लोग सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट पर ही फोकस करते हैं और इनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं। कोई भी आप नौकरी बता दें, अभी युवा हमारे जो एप्लीकेंट थे उसके जो भर्ती शिक्षक भर्ती वाले, उस पर किस तरह से पुलिस वाले गाली दे रहे थे उनको, उन पर कह रहे थे हम तुम्हारे ऊपर आरोप लगा देंगे और क्या क्या इस तरह से उनको धमकाया जा रहा है। और हमारे किसान जो पिछले 1 साल से बैठे हैं वहाँ पे, कितनी बारिशें सह रहे हैं और कितना उन्होंने सर्दियाँ झेली हैं, उसके बाद भी उनको उनकी सुनवाई नहीं कर रही सरकार, और वो और उनको किस तरह से कीले बिछाई जा रही थी उनके रास्ते पर, ये सब देखा है लोग जनता ने, अब इसका जवाब मिलेगा भाई। सरकार तो कहती है कि किसानों की आय दुगनी हो गई, आप कहते हैं कि जो है वहाँ तो कहते हैं कि ये किसान ही नहीं है। कहाँ आय दुगनी हो गई, डीजल पेट्रोल देखिए क्या प्राइसेस हैं आज के, और जो किसान जो जिसको डीजल की जरूरत होती है उसका रेट देखिए आप क्या हो गया है, तो कहाँ हो गया है, किस रुपए में? कोई भी ऐसा विकास का काम जो एग्जेम्पलरी कोई भी काम जो इन्होंने किया हो विकास का बता दे आप हमें। सरकार बड़ा काम विकास कर रही है, जनता का विकास नहीं कर रही। सरकार तो कहती है कि बड़े बड़े जो है चुनावी समर है 22 में, सरकार कहती है कि 5 साल में हमने इतना विकास किया, और आप कहते हैं विकास किया, आप एक काम हमें बताइए ना। आप सरकार कहती है कि इतना सारा विकास हुआ, क्या आप सरकार से संतुष्ट हैं? अरे अब सरकार गई थी देखा नहीं जी, तुम बताओ सरकार, बताओ मरे जा रहे हैं, सारी रात आँखी कल्ला रही हैं, हराहा के दे और डीजल सारे के लाओ तो खेत काला घंटा भर चला इंजन काला, भैया फिर लाओ जाए हैं। यह सरकार है हमारी गया कही रही है, रातों दिन मरे जा रहे हैं, रातों दिन घंटा भर छूट ले गए, क्या बताएं, बिरवा तैयार होगा, अब सोचो छिया निकल रही है,
का होगा काला हरा चलिए अब लो मन बताओ तो क्या है ऐसी सरकार को हम क्या करें। 2000 दे रहा 2000 हम तो और ले ले लेकिन ये हरहा यही क्या निपटारा कही दे तो हम जानी हाँ सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही हम ते ले 2000 और हम देख तैयार हम दादा लेकिन यो बवाल उतारी ले तब रहा का तब आदमी नहीं था बाजारें नहीं थी जानवर आए हमारे पास ज़्यादा चार थे गैया पाँच बिछुआ खे तो चार थे बछावा हो गया उनका कहाँ हम जोती जाए कहो ईटा गारा मजूरी गई लड़कन के जिया हम भैया तो उनका ख्याल आखिर नहीं जब कुछ हो रहा है तो खोल के तो खेत दे भेज करी दे कहाँ करी बे उनका हम तब बाजार रहें बेच ले 400-500 रुपया मिल गए अपने काम में लगाए हन अब उनके पीछे हम बताओ सारा दिन कहूँ काम नहीं जा सकी जो चार बिछुआ धान लगाए वो ऊपर खाए जा रहे हैं तो क्या करें ऐसी सरकार को ओढ़ ले दिखा ले कि क्या करें। सरकार गांव में कहती है कि जो है खुले में शौच मुक्त कर दिया आप कहते हैं कि कोई काम नहीं हुआ का शौच गड्ढा बना दी नो भाट कही दी नो माटी भरी गए भरी गए का हगी के अपन दुआर बदबू मराई या का करी हम कहीं गाठी भरी गड्ढा खुद गया कहीं ठीक ढक्कन योग लाया धर दी नो पर अगर कोनो हरा चला अगर टूट के सार वो बसा रहा है सरकार की योजनाओं से आप संतुष्ट नहीं हैं। एक सिलेंडर दीन वहाँ पर 800-900 क्या कही दीन किसान मरा जा रहा भैया सिलेंडर वैसे धरे हम कहीं लकड़ी बीन लो उनते खाना बना लो वो ठीक है तो का फायदा है ऐसा सिलेंडर लेने से क्या है हमको कि बताओ हम पर 800-900 क्या सिलेंडर भराई जाए तो 800-900 के हम लकड़ी अगर काट लिया तो हमका 6 महीने जलावे को हुई सकून और तापीबो करब जाड़ू आ रहा है।